हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग नेमिंग कन्वेंशन तक सीख चुके थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे इटरेटर और लूप इन जावा। पहले हम सीखेंगे फॉर लूप, उसके बाद सीखेंगे व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ फॉर लूप। अगले वीडियो में दो लूप जो होता है, एक्चुअली लूप थ्री टाइप्स होता है, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स एंड डू व्हाइल लूप्स। इस वीडियो में हम फॉर लूप सीखेंगे, उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इटरेटर और लूप इन जावा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ देते हैं। फॉर लूप लिखने का जो तरीका होता है, सिंटैक्स वो क्या है। फॉर आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद काउंटर वेरिएबल मतलब इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन देना पड़ेगा, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट जो होता है वो क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका कोड लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर लूप, तो इनिशियल इंट इंट आई वन निकल टू जीरो सेमीकोलन, उसके बाद आई लेस देन थ्री सेमीकोलन आई प्लस प्लस। जैसे यहाँ पे काउंटर स्टार्ट किए हैं यहाँ पे, उसके बाद कंडीशन दिया है आई लेस देन थ्री, उसके बाद इंक्रीमेंट किया है आई प्लस प्लस, उसके बाद काली पैकेट के अंदर कोड लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन हेलो। यहाँ पे जो कंडीशन है आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन थ्री एंड आई प्लस प्लस, यहाँ पे फॉर लूप का जो कंडीशन है यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे हम लोग। इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो, उसके बाद कंडीशन दिया है, कंडीशन चेक होगा, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इस लाइन का मतलब इस लाइन कैसे काम करेगा, पहले इनिशियलाइज होगा आई का टू जीरो से इनिशियलाइज होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दिया है कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो आई प्लस प्लस है उनका मतलब इंक्रीमेंट करेंगे। लूप वन फर्स्ट यहाँ पे आई का टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे तीनों लूप स्टार्ट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, जीरो वन टू तीनों लूप यहाँ पे लूप हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। जैसे लूप वन आई का लू जीरो यहाँ पे चेक करेंगे, जीरो लेस देन थ्री ट्रू है, मतलब कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा आई प्लस प्लस, मतलब आई का टू अभी वन है। उसके बाद नेक्स्ट लूप के बाद कंडीशन चेक करेंगे आई लेस देन थ्री, ये भी कंडीशन ट्रू है, मतलब ट्रू कंडीशन हो गए तो कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट हेलो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब उसके बाद आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी आई का वैल्यू क्या है, अभी आई का वैल्यू टू है। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे टू लेस देन थ्री ट्रू है कंडीशन, उसके बाद कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट हेलो, उसके बाद आई प्लस प्लस आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी आई का वैल्यू क्या है, थ्री है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको थ्री लेस देन थ्री, ए कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फॉल्स होगा तो कंडीशन लूप से बाहर आ जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो कोई प्रिंट आउट नहीं होगा। यहाँ पे आप तीनों ही जो आउटपुट, यहाँ पे लूप थर्ड टाइम लूप घूमेगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेलो 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 हेलो, अब थ्री टाइम्स हेलो प्रिंट आउट होगा, यहाँ पे थ्री टाइम लूप घूमेगा। लूप आर दी कंट्रोल स्टेटमेंट दैट आर यूज टू इटरेट पार्ट ए प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। आप लोग जानते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, बार बार काम करने का जरूरत नहीं, लूप से आप एक बार में आप काम कर सकते हो बहुत सारा। जैसे आपको हम कोड से समझ देते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ऑड नंबर फ्रॉम वन टू फोर। जैसे हम वन टू फोर से ऑड नंबर लिखने के लिए बोला है, इंट नंबर वन लिखे हैं हम, नंबर को मॉड्यूलस टू नॉट इक्वल टू जीरो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नंबर, तो टू से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर नहीं रहेगा, तो ये नंबर इवन है, यहाँ पे ऑड नंबर निकलने के लिए बोला है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए होना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, तो मॉड्यूलस
तो वो इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे नंबर करके उसके बाद इंक्रीमेंट किया है, नंबर प्लस प्लस नंबर 2 हो गया अभी, उसके बाद नंबर को 2 से डिवाइड किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं, नॉट इक्वल टू 0 वहाँ पे कंडीशन दिए हैं, नंबर पिन किए हैं, उसके बाद नंबर को नंबर प्लस प्लस अभी नंबर 3 है, उसके बाद नंबर को मॉड्यूलस से डिवाइड किए हैं, नॉट इक्वल टू 0 अभी सिस्टम पिन और नंबर किए हैं, उसके बाद नंबर को फिर इंक्रीमेंट किए हैं, अभी नंबर 4 है, 4 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन से सिस्टम जो है वो ले लेगा। यहाँ पे और नंबर निकलने के लिए बोला है, यहाँ पे प्रिंट आउट करके देखते हैं क्या आता है। दिखाई दे रहे आपको 1 एंड 3 और नंबर आ गया। यहाँ पे जो लूप है, फॉर लूप, यहाँ पे इफ कंडीशन से हम काम किए हैं। यहाँ पे 2 1 से डिवाइड करेंगे तो जो मॉड्यूलस रहेगा और नॉट इक्वल टू 0 डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए ए नंबर ऑड आएगा, ए नंबर ऑड आएगा। यहाँ पे 1 एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ए नंबर भी ऑड आएगा, 1 एंड 3 ऑड आएगा यहाँ पे। ये तो इतना सारा कोड हम ना लिख के, इतना सारा कोड हम ना लिख के फॉर लूप से हम 3 लाइन में, थ्री लाइन में काम कर सकते हैं। जैसे हम इनिशियलाइज किए हैं नाम 1 से, उसके बाद नाम लेस इक्वल टू 4, मतलब 4 टाइम 0 1 2 3 4 टाइम, 5 टाइम जो होता 1 से स्टार्ट किए हैं, मतलब 4 टाइम लूप घूमेगा। उसके बाद नाम को इंक्रीमेंट किए हैं, उसके बाद जो कंडीशन है वो कंडीशन दिए है, उसके बाद जो आउटपुट आना चाहिए था वो आउटपुट दिए है। देखते हैं क्या आता है रन करके। दिखाई दे रहे आपको वैसे सेम आंसर आ रहा है 1 एंड 3, मतलब आप इतना सारा कोड ना लिख के फॉर लूप से सिर्फ 3 लाइन में आप जो कोड है वो लिख के सेम रिजल्ट पा सकते हो। इसलिए फॉर लूप यहाँ पे सपोज 4 नहीं दे के यहाँ पे 100 दिया है, तो तब आपको यहाँ पे तो 100 टाइम कोड इफ कंडीशन 100 टाइम लिखना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब 100 दिया है तो यहाँ पे सिर्फ 4 को हम 100 कर देंगे तो काम हो जाएगा, जैसे हम पिन आउट करके आपको दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है 100 तक जो जितना सारा ऑड नंबर है वो पिन आउट हो चुका है। यही है फॉर लूप का फायदा, आप बहुत इजीली जितना जितना तक आपको जो ऑड नंबर यू नंबर चाहिए उतना तक आप इजीली कर सकते हो, यहाँ सिर्फ एक डिजिट चेंज करके। फॉर लूप का यही फायदा है। फॉर लूप का फिर से एक बार में हम बोल दे रहे हैं, फॉर लूप के पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद कंडीशन देना पड़ेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद जो कोड आप आउटपुट में चाह रहे हैं वो आउटपुट में देना पड़ेगा। यही है फॉर लूप का बेसिक फंडा। इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे बोले थे, सिर्फ फॉर लूप। अगले वीडियो में आपको व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप सिखाएंगे। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट, एंड थैंक यू गाइस लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।